शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को उनके पद से हटाने के लिए बिहार विधान पार्षद के 15 सदस्यों ने मंगलवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हल्यांकर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सर्वाधिक विधान पार्षद सत्ता पक्ष के हैं। इन सभी विधान पार्षदों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय एवं अंगभूति महाविद्यालय में प्रतिदिन हरेक शिक्षक के लिए 5 कक्षा लेने के लिए अनिवार्य करने की शिकायत राज्यपाल से की गई है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के लिए प्रतिदिन 5 कक्षा लेना संभव नहीं है। वही शिक्षा विभाग के द्वारा हाल ही के दिनों में विश्वविद्यालयों को दिए गए कई निरीक्षण को आलोक तंत्र और अव्यवहारिक बताया। इसके बारे में विधान पार्षदों ने राज्यपाल को जानकारी दी कि शिक्षा विभाग की ओर से दी जा रही आदेश बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम तथा संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रदान मूल अधिकार के विरुद्ध है। ऐसे अधिकारी को पद से हटाया जाना आवश्यक है। राज्यपाल के समक्ष विश्वविद्यालय अध्यापक एवं विधान पार्षद संजय कुमार सिंह ने वेतन रोके जाने की मामला भी उठाई। ज्ञापन देने वाले विधान पार्षद में भाजपा के प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर विनोद नारायण यादव, रेखा कुमारी, राजद के अजय कुमार सिंह, कुमार नरेंद्र, डॉक्टर रामबली सिंह, कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन झा, समीर कुमार सिंह, प्रेमचंद्र मिश्रा, भाजपा के सुवेश कुमार सिंह, डॉक्टर संजय पासवान, जन सुराज के डॉक्टर सच्चिदानंद राय तथा अफाक अहमद, निर्दलीय महेश्वर सिंह शामिल है। एक तरफ जहां के पाठक शिक्षा विभाग को बेहतर करने के लिए कई सारे हथकंडे अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष के लोग भी के पाठक का विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि के पाठक के शिक्षा विभाग के कमांड संभालने के बाद शिक्षा विभाग में बहुत सारी सुधार देखने को मिल रही है, लेकिन अब इसका विरोध सत्ता पक्ष के लोग ही करने लगे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि के पाठक को हटाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वो हर दिन नए नए फरमान जारी करते हैं। अब मुद्दा उठाया गया है कि एक शिक्षक को प्रतिदिन 5 कक्षाओं में क्लास लेना है, जो कि संभव नहीं बताया जा रहा है। इसी को लेकर राज्यपाल के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या के पाठक को अब अपर मुख्य सचिव के पद से हटाया जाएगा, क्या शिक्षकों को अब राहत भरी सांस लेने का टाइम आ गया है, क्या ज्ञापन में जो राज्यपाल को सौंपा गया है राज्यपाल उस पर जल्द ही निर्णय लेंगे। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा मीडिया दर्शन के साथ।